भाजपा के पूर्व मंत्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाली गलौज का मामला सामने आया, जहां पर प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर समूचे छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। वहीं बलरामपुर जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश मूढ़त का पुतला दहन किया। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियोज को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने आह्वान किया था कि पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध और पुतला दहन किया जाए। कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष टोपो पाड़ी जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस और NSY के द्वारा वाटप नगर में किया गया और ये राजेश मूढ़त जी का पुतला दहन किया गया, उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। 15 साल भाजपा ने निचोड़ कर और पूरे छत्तीसगढ़ को त्राही मान करके पूरा छत्तीसगढ़ को तबकास नाश कर दिया। उसके बाद उनके मंत्री जी बौखलाए हुए 15 साल लूट खसोट करने के बाद ये इनके मंत्री पूर्व राजेश मूढ़त जी पुलिस आला कमान अधिकारियों को गंदी गंदी अभद्र गालियाँ, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अभद्र गालियाँ देते हुए संबोधित कर रहे हैं। तो हमारे सीनियर कांग्रेसियों को और पुलिस के आला अधिकारियों को गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है, क्योंकि ये लोग पहले 15 साल से जो मुद्दे करते आए हुए हैं वो लोग अभी ये लोग अपना रहे हैं। तो हमारे सरकार में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग पहले तरफ यही अपना रहे हैं। हम चाहते हैं कि राज्य के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष